वेलकम बैक टू माई YouTube चैनल। होप यू ऑल गाइज आर डूइंग वेल। आज की जनाब जो हमारी वीडियो है वो है फायज़ा आसिफ की बेस के ऊपर रिव्यू। तो फुल वीडियो देखने के लिए आपने वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि हो सकता है ये आपके काम की वीडियो हो। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बताती चलूँ कि फायज़ा आसिफ जो है पाकिस्तानी ब्रांड है। दूसरा ये कि इसमें आपको 4 शेड्स अवेलेबल हैं। थर्ड पॉइंट ये कि इनकी एडवांस पेमेंट होती है। ठीक है, अब आ जाते हैं शेड्स की तरफ। शेड्स की बात कर लेते हैं। इसमें जो 4 शेड्स अवेलेबल हैं, एक तो है फेयर, दूसरा है F1, तीसरा है 38, चौथा है 45। F1 जो है वो एक्स्ट्रा फेयर है। F जो है वो मतलब मेरी टोन के हिसाब से जो लोग नॉर्मल होते हैं, ना ज़्यादा वीक टोन में जाते हैं ना ही ज़्यादा एक्स्ट्रा फेयर होते हैं, ये उनके लिए होता है जो कि पिंकिश टोन में आता है। उसके बाद आ जाता है 38 जो होता है वीट कलर के लिए होता है। 45 जो गंदुमी कलर से ज़्यादा डार्क होते हैं, जिनको सांवला हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इसके प्रॉस एंड कॉन्स की। ठीक है, प्रॉस तो इसकी ये हो गए कि मिड लेवल कवरेज है इसकी। ठीक है, नंबर 2 केकी और क्रैकी बिल्कुल भी नहीं होती। नंबर 3 नेचुरल ग्लो देती है आपको, जिस तरह अभी मुझे दिया है। ठीक है, कॉन्स की तरफ आ जाएं तो कॉन्स में इसकी ये है कि अगर आप लोग डेली बेसिस पे अपनी स्किन केयर नहीं करते और डायरेक्ट आप कोई भी बेस हो, बेशक फायज़ा आसिफ की हो या कोई और बेस हो, आप लोग अप्लाई करोगे तो आपकी स्किन क्रैकी होगी और आपकी बेस फट जाएगी, बिल्कुल क्रैक्स आ जाएंगे और ड्राई ड्राई हो जाती है, ड्राई पैचेस बन जाते हैं ना, बिल्कुल वैसी हो जाएगी। ठीक है, सबसे मज़े की बात तो मैंने आप लोगों को बताई ही नहीं कि इसको अप्लाई करने से पहले ना ही आपको प्राइमर की ज़रूरत है और इसको अप्लाई करने के बाद ना ही आपको किसी फिक्सर, सेटिंग स्प्रे या कॉम्पैक्ट पाउडर या लूज़ पाउडर की ज़रूरत पड़ती है। बिल्डेबल कवरेज है इसकी, बेस्ट पॉइंट ये। और इसका प्लस पॉइंट ये है कि ये 9 to 10 आवर्स तक स्टे करती है। बिल्कुल आपका मेकअप जो होता है फ्लॉलेस और बिल्कुल फ्रेश लुक देता है आपके फेस पे। कोई ऑयली स्किन नहीं होती, कोई क्रैकी नहीं होती, बहुत ही खूबसूरत लुक आप लोगों को मिलता है। तो अब बात करते हैं मेरे शेड की और उसकी कवरेज की। मेरा शेड है F, ये है मेरा शेड। तो अब मैं इसको अप्लाई करती हूँ। अप्लाई करने से पहले मैं क्या करूँगी कि अपना सारा मेकअप रिमूव करूँगी। आजकल सर्दियाँ हैं तो आपकी स्किन जो ड्राई हो जाती है, तो आपने क्या करना है फायज़ा आसिफ की बेस अप्लाई करने से पहले आपने क्या करना है, कोई अच्छा सा सीरम लगा दें। अगर आप लोग CTM डेली बेसिस पे करते हो तो फिर तो आपको सीरम की भी ज़रूरत नहीं है, आप इसको ऐसे डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो। अदरवाइज़ अगर आपकी स्किन ड्राई है और क्रैक पड़े हुए हैं, डेड स्किन ज़ाहिर होती है, तो फिर आपने क्या करना है कि आपने वैसलीन अप्लाई कर देनी है। वैसलीन आप लोग अप्लाई कर लो ताकि आपकी बेस फटे नहीं, जैसे क्रैक्स पड़ जाते हैं, स्माइल लाइंस आ जाती हैं, वैसे ना हो। तो मैं बिल्कुल थोड़ी सी वैसलीन अप्लाई करूँगी। ब्यूटी ब्लेंडर को हमने वेट कर लिया है। ठीक है, पहले से ही मैंने इसको वेट करके रखा था। बिल्कुल थोड़ा सा मैं इस पर सिर्फ टच करूँगी इस तरह से। ठीक है, अब मैं आपको अप्लाई करके दिखाती हूँ। कवरेज आप लोग देख लें, आप लोगों के सामने है, मैंने दोबारा बिल्कुल भी नहीं पिक की। बेस लगाने के बाद मैंने कुछ देर इसको छोड़ दिया है और अब आप लोग इसके रिजल्ट्स देख लें। अब हम इसको बिल्ड करेंगे। बिल्ड करेंगे किस तरह से कि ब्राइडल बेस हमें किस तरह से अप्लाई करनी है। सबसे पहले तो हमने क्या किया था, लाइट कवरेज के लिए हमने जस्ट एक दफ़ा डैप किया था। अब बिल्डअप करने के लिए बेस को हमने क्या करना होता है, जितनी ज़्यादा हम बेस लेंगे उतना ज़्यादा ये बेस बिल्डअप होगी। ठीक है, मैं आप लोगों को करके दिखाती हूँ। ठीक है, ये था हमारा आज का रिव्यू। आई होप आप सबको रिव्यू पसंद आया होगा और ये बेस भी पसंद आई होगी। मेरी तो मोस्ट ऑफ द फेवरेट बेस है। अब आ जाते हैं
बेस सिलेक्शन की तरफ। ठीक है, बेस सिलेक्शन हमने किस तरह से करनी होती है, मैं यहाँ से आपको थोड़ा सा मेकअप अपना रिमूव करके जो बेस मैंने अप्लाई की थी, और फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि हमने किस तरह से सिलेक्शन करनी है। सिलेक्शन के लिए मैं एक डार्क टोन में बेस ले रही हूँ, फाउंडेशन है वो। ठीक है, आपने क्या करना है, फाउंडेशन टेस्टर जो होते हैं, टेस्टर मिलते हैं शॉप्स पे, आपने उसको थोड़ा सा एक पंप अपने हाथ पे लेना है और आपने उसको फिंगर पे लेके ट्रैक करना है नेक तक। ठीक है, अब मैं ले रही हूँ सेकंड बेस। फाउंडेशन सेलेक्ट करने के लिए आप उसको अप्लाई करके नेक तक ड्रैग करो, ठीक है, और देखो कि कौन सी फाउंडेशन या बेस आपकी स्किन से मैच कर रही है। मेरी स्किन के साथ ये वाली मैच कर रही है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, आई होप आप सबको वीडियो अच्छी लगी होगी और बेस का रिव्यू भी अच्छा लगा होगा। अगर आप लोग लेना चाहते हो मेरे रिकमेंडेशन पे, तो आप लोग इसको एक ट्राई ज़रूर दो। अभी तो इनकी सेल भी चल रही है, तो आपको बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में ये मिल जाएगी। तो अब मिलेंगे हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।